अस्सलाम वालेकुम क्लास, अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो आप बता सकते हैं। पहले अटेंडेंस लगा लें। 502 मैम स्टूडेंट को ऐड कर लें। ओके 502 प्रेजेंट, मुझे रिक्वेस्ट आएगी तो मैं कर लूँगी ऐड। 503 504 505 506 प्रेजेंट मैम। 507 प्रेजेंट मैम। 508 509 510 प्रेजेंट मैम। 11 11 12 13 14 15 16 17 मैम 14 प्रिंट। ठीक है बेटा। 18 मैम 15 भी प्रेजेंट। ओके 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, मैम 23 प्रेजेंट। ओके 24 प्रेजेंट। 25 प्रेजेंट। ओके 27 27 प्रेजेंट। 28 मैम उसकी लाइट ऑफ है। ठीक है। 29 30 प्रेजेंट मैम। 32 मैम वो कह रही है कि डिस्कनेक्ट हो गया उसका। 32 33 प्रेजेंट मैम। 33 34 35 36 मैम 35 प्रेजेंट है। 36 37 40 41 प्रेजेंट। 43 प्रेजेंट मैम। 44 45 46 48 49 50 51 प्रेजेंट मैम। 52 53 प्रेजेंट मैम। 53 और 52 भी जी मैम। 55 56 57 58 प्रेजेंट। 58 प्रेजेंट है। 68 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 60 प्रेजेंट है मैम। 63 भी मैम। 60 भी एट का बताएं। 58 प्रेजेंट है या नहीं। 61 62 अटेंडेंस हो रही। 63 मैम रोल नंबर 60 भी प्रेजेंट है। 63 प्रेजेंट। ओके बेटा 63 प्रेजेंट है। ठीक है। 64 65 64 है मोहम्मद अस्लाम। ओके 65 मैम 60 भी प्रेजेंट है। ठीक है बेटा। 66 67 68 अब मैं वो रोल नंबर्स बोल रही हूँ जो एब्सेंट मार्क हुए हैं। ठीक है। 68 67 66 65 62 61 57 56 55 और 50
36 उसका डिस्कनेक्ट हो गया है एंड 56 भी प्रेजेंट मैम रोल नंबर 60 भी प्रेजेंट है बेटा लग गई है 60 की कितनी दफा लगवानी है आपने 56 भी देख लेते हैं मैम 37 भी एक मिनट बेटा 37 की लग गई है ओके मैम और 29 एब्सेंट है इसके बाद 22 एब्सेंट है और 13 और 11 8 5 4 3 ये लोग हैं मैम 4 प्रेजेंट ओके 4 की मैंने प्रेजेंट लगा दी ठीक है हम लोग अब स्टार्ट करते हैं जो हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे थ्योरम ये मैं शेयर करती हूँ और हमसे जीरो से स्टार्ट करते हैं ताकि ये अगर कोई मुश्किल है तो समझ आ जाए आपको जी A unit speed curve alpha is with kappa not equal to zero is a helix if and only if there is a constant c such that torsion over kappa जो ratio बनती है वो constant आए ठीक है अब आप इसको जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं now proof इसका है let alpha is be a helix हमने suppose कर लिया helix है और helix की by definition हमें पता है कि उसका जो हर point पे tangent है वो एक straight line जो कि generators होते हैं fixed direction है उसके साथ angle बनाती है वो हमेशा constant रहता है तो देन वी हैव टू प्रूव कि जो आपके पास रेशियो बनती है टॉर्शन और कर्वेचर की वो कांस्टेंट आनी चाहिए सिंस वी नो दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन हेलिक्स मेक्स अ कांस्टेंट एंगल विद द फिक्स्ड डायरेक्शन दैट इज जनरेटर ऑफ द सिलेंडर ये बात तो कल भी बहुत डिस्कस हो गई थी ठीक है कि बाय डेफिनेशन हमें ये पता है हम लोग क्या करते हैं कि लेट यू बी द यूनिट कांस्टेंट वेक्टर अलोंग द फिक्स्ड डायरेक्शन हम लोग यू एज यूनिट वेक्टर ले लेते हैं जो किसी भी जनरेटर के अलोंग हो सकता है ठीक है और ये तो उस केस में हम लोग सर्कुलर हेलिक्स की बात करते हैं अगर हम किसी आम हेलिक्स की बात करें तो उसमें हम लोग ये जो फिक्स डायरेक्शन है उसको एक्सिस ऑफ द हेलिक्स ले रहे होते हैं देन टी इन द प्रोडक्ट ऑफ टी एंड यू किसके इक्वल होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टी एंड यू वेयर टी इज द टेंजेंट यूनिट टेंजेंट एंड यू इज द फिक्स डायरेक्शन यूनिट वेक्टर अलोंग एनी फिक्स डायरेक्शन देन डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टी इनटू मॉडुलस ऑफ टू एंड मॉडुलस ऑफ यू modulus of u and cos alpha where alpha is angle जो कि tangent fixed direction के साथ बना रहा है और हमें पता है कि t और u दोनों unit vectors हैं इसलिए ये ख़त्म हो जाएंगे उनका आंसर वन आ जाएगा और इनर प्रोडक्ट का आंसर cos alpha के इक्वल आ जाएगा और हमें पता है कि alpha एक constant है not differentiating with respect to s दोनों sides पे हम लोग s के respect से derivative लेंगे dt by ds into u and t into du by ds by product rule and equals rule राइट हैंड साइड पे जीरो होगा क्योंकि यू अल्फा कांस्टेंट है तो उसका कॉस देंगे वो भी एक कांस्टेंट होगा और उसका डेरिवेटिव जीरो होगा और इसी तरह यू कांस्टेंट है तो यू का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से लें तो वो जीरो होगा तो दिस मींस कि आपके पास सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे dt / ds व्हिच इज इक्वल टू t प्राइम इन डॉट u इक्वल्स टू जीरो रह जाएगा और हमें पता है t प्राइम इक्वल्स टू कैपा n बाय फ्रेंड थ्योरम भी और बाय डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल दो कोई से दो इन दोनों में से कोई एक आप लोग आर्गुमेंट दे सकते हैं और उसके बाद टी प्राइम जो है वो उसको रिप्लेस कर देंगे कैपा एन से यू के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे और मैम कैपा जी बेटा मैम जहाँ पे आपने टी डैश मतलब दिया वहाँ पे आर्गुमेंट क्या दिया था वहाँ पे मैंने आपसे कहा कि हम लोग दो रीजन यूज कर सकते हैं एक तो एक फ्रेंड सरट थ्योरम में हमने ये चीज़ प्रूव की थी और उसकी बेस में क्या रीज़न था उसकी बेस में रीज़न ये था कि जो हम लोग प्रिंसिपल नॉर्मल एन को जो डिफाइन करते हैं वो हम लेते ही टी प्राइम ओवर कैपा लेते हैं
ठीक है, उसकी बाय डेफिनेशन जो है हम ये चीज़ लिख सकते हैं, और यही रीजन हमने प्रणट सरण थ्योरम में भी यूज किया था। तो अगर आप इसके साथ सिर्फ प्रणट सरण अब हमें पता है, हमने यहाँ से देख लिया कि n u के परपेंडिकुलर है, और हमें ये भी पता है कि n और t और b तीनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो दिस मीन्स कि u लाइज एक्स वाई प्लेन के ऊपर लाई कर रहा होता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि एक्स वाई जेड हम लोगों ने बहुत दफ़ा उसको पढ़ा हुआ है, हमें बहुत अच्छे तरीके से उस पर हमारी पूरी कमांड है, ठीक है। एन टी और बी जो है ये न्यू है, और इनका रोल एग्जैक्टली वही है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का। तो इसलिए जब हम कह रहे हैं कि एन जो है हमें पता है कि टी के परपेंडिकुलर है, और एन जो है बी के परपेंडिकुलर है। अगर हम सिर्फ वैक्टर्स की बात करें तो सिर्फ दो ही वैक्टर ऐसे हैं दुनिया में जो कि एन के परपेंडिकुलर हो सकते हैं, उसमें एक टेंजेंट वेक्टर है और एक बाय नॉर्मल है। लेकिन अगर हमें कोई और वेक्टर दैट इज़ यू यहाँ पे हमें नज़र आ गया जो कि एन के परपेंडिकुलर है, तो दिस मीन्स 100% वो उस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है जहाँ जो टी और बी स्पैन कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको मेरा ख्याल है ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये देख लें यहाँ पे ये जेड एक्सिस अगर एन मैंने ले लिया, ठीक है, और ये टी बी प्लेन हो जाएगा, यानी एक ऐसा प्लेन जो टी और बी उसको स्पैन कर रहे हैं, ठीक है, और यू जो है इस प्लेन के अंदर लाया जा रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि यू और टी जो है ये एंगल अल्फा कॉन्स्टेंट एंगल बना रहे। अब हम लोग क्या करते हैं कि यू और टी का इनर प्रोडक्ट लेते हैं। ये हम क्यों ले रहे हैं, हम नेक्स्ट पेज पे ये हम लोग पहले चले जाते हैं, फिर बाद में आके कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग काम क्या करें कि हम जानते हैं लास्ट थ्योरम में भी हमने ये यूज़ किया था, इलावा इकोलॉजी 4.1 है जिसमें हम कहते हैं कि हम हर वेक्टर को इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन टी एन और बी के इंक्लूडिंग इनर प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो उसी को हम लोग यूज़ करते हुए यू को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी एन एंड बी लिख रहे हैं, और वही मेथड यूज़ किया है। वहाँ पे बी हम वेक्टर लेते थे जनरली, हमने जो डिफाइन किया था, तो बी को हम यू से रिप्लेस कर देते हैं। तो यू इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद टी, टी प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद एन, एन प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद बी एंड बी। ये हो गया वो इक्वेशन एक आपके पास आ गई। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं इनर प्रोडक्ट, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लास्ट पेज पे ये टीवी थी डायग्राम के साथ ताकि आपको जरा मेरी तरह समझ आ जाए, और ये देखें आप इसको दोबारा, ठीक है। ये डायग्राम है, अब ये देखें यू और टी का जब हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं, दिस मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ यू एंड टी, और हमें बी भी पता है यहाँ से नज़र आ रहा है कि यू और टी के दरमियान एंगल अल्फा है, और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मॉडुलस ऑफ यू, मॉडुलस ऑफ टी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से ये तो वन हो जाएंगे और सिर्फ आपके पास कॉस अल्फा रह जाएगा। इसी तरह जब यू और बी का आप इनर प्रोडक्ट लेंगे तो यू डॉट बी के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ यू, मॉडुलस ऑफ बी एंड कॉस ऑफ, ये जो यू और बी के दरमियान एंगल है ये 90 माइनस अल्फा होगा। ये मुझे लिख देना चाहिए ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाता। तो अब होगा ये कि ये जब cos 90 माइनस अल्फा लेंगे तो sin अल्फा आंसर देगा। तो ये अब u और b के जो मॉडुलस हैं वो दोनों 1 आएंगे क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। तो आपके पास इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड b का आंसर जो है वो sin अल्फा हो जाएगा, और u और n का जब आप इनर प्रोडक्ट लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हमें पता है कि u और n जो हैं वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। जब इनर प्रोडक्ट लेंगे तो यू डॉट एन लेना पड़ेगा, और ये देखिए ऊपर आप पहले इसको शो कर चुके हुए हैं कि ये इसका आंसर जीरो आ रहा है, तो हम इसका डायरेक्टली आंसर जीरो लिख देंगे, साथ में परपेंडिकुलर भी लिख दिया है ताकि जहन में रहेगा क्यों जीरो आ रहा था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे हम ये सारी वैल्यूज से हम उस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी। ये u इज इक्वल टू यू टी का नेट प्रोडक्ट कॉज अल्फा आया था, यू एन का नेट प्रोडक्ट जीरो था, और यू बी का नेट प्रोडक्ट साइन अल्फा है, ठीक है। और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस इक्वेशन तक, u की वैल्यू तक? नो मैम। ओके, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको s के रिस्पेक्ट से। अब ये du बाई ds हो जाएगा, और ये t प्राइम
हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, ठीक है, टी प्राइम कॉज अल्फा प्लस टी डी कॉज अल्फा बाई डी एस होगा सेकेंड टर्म पे, ये तो खत्म हो जाएगा, एन तो खत्म हो जाएगा, और ये सेकेंड टर्म पे डी प्राइम और ओके इसके बाद जो है ये बी प्राइम और साइन अल्फा प्लस बी इंटू डी साइन अल्फा बाई डी एस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अब देखिए कि कॉस अल्फा भी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगी, और साइन अल्फा भी एक कांस्टेंट होगा डेफिनेटली, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी लिख भी दिया रीजन, और बाकी सिर्फ डी यू बाई डी एस में सिर्फ दो वैल्यूज रह जाएंगी, टी प्राइम कॉस अल्फा प्लस बी प्राइम साइन अल्फा, ठीक है। अब बाय फेनेट सेरेट थ्योरम हमें पता है कि टी प्राइम की वैल्यू कैपा एन है और बी प्राइम की वैल्यू माइनस टॉर्शन एन है, और डी यू बाई डी एस फिर क्या होगा, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया एन की वैल्यूज को, और नेक्स्ट देखें कि आप दोनों टर्म्स में एन मौजूद है उसे कॉमन लिया जा सकता है, और हमें पता है कि यू वेट कॉन्स्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, और फिर ब्रैकेट में कैपा कॉज अल्फा माइनस टॉर्शन साइन अल्फा रहेगा, और एन तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि फिर यूनिट वेक्टर है, तो दिस मीन्स हमें कॉज अल्फा माइनस टॉर्शन साइन अल्फा को जीरो रखना है, और यहाँ से कॉज कैपा कॉज अल्फा इज इक्वल टू टॉर्शन साइन अल्फा या टॉस साइन अल्फा, और यहाँ से कैपा व टॉर्शन जो है वो टेन अल्फा ले सकते हैं जो कि कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि आप ये भी कर सकते हैं कि कैपा ओवर टॉर्शन को आप सी प्राइम ले लें और कैपा इज इक्वल टू टॉर्शन ओवर सी ले लें, यानी वो जो एडजस्ट करना चाह रहे थे हम लोग, ठीक है, जो अब हमने काम के किए हैं, हमने इस वक्त पहले हमने सपोज किया था कि हमारे पास एक हेलिक्स है और हमने शो ये कर दिया कि कर्वेचर और टॉर्शन का जब हम रेशो लेते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग टेन अल्फा कांस्टेंट आ रहा है जी, टेन अल्फा कैसे कांस्टेंट आता है बेटा, टेन अल्फा इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, अगर अल्फा कांस्टेंट है जैसे 30 है अगर, तो उसका आप साइन लें टेन लें आंसर वो 30, उसमें वेरिएबल तो कोई नहीं रहेगा ना, कांस्टेंट वैल्यू आएगी आपके पास, इसलिए ये कांस्टेंट है, इसको आप सी भी कह सकते हैं। अल्फा एंगल नहीं है, अल्फा एंगल है तो एंगल कांस्टेंट होगा, तो ये बाय डेफिनेशन है ना, अगर एंगल कांस्टेंट नहीं होगा तो हमारा गिवन कर्व किसी सूरत हेलिक्स नहीं हो सकता, यानी अगर उसको हेलिक्स होना है तो दिस मींस इस एंगल अल्फा को कांस्टेंट होना चाहिए, यही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ओके। इसके बाद क्या होगा, कैपा ओवर टॉर्शन जो है वो हम कांस्टेंट लेंगे और इसको सी प्राइम ले लें चाहे, और सी प्राइम को वन ओवर सी कह दें, कैपा इज इक्वल टू टॉर्शन ओवर सी ले लें, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो कर्व है, नाउ वी हैव टू प्रूफ दैट कर्व इज हेलिक्स, कर्व एक हेलिक्स होगा, और एलिक्स के लिए हमें क्या कंडीशन शो करनी पड़ेगी कि टी और यू का जो इनर प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा, ये बाय डेफिनेशन है, ठीक है। हेलिक्स की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा है कि कोई भी कर्व हेलिक्स उस वक्त ही हो सकेगा जब उसका टेंजेंट हर पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो एक फिक्स डायरेक्शन जो हम लोग फिक्स कर लेंगे खुद से, उस फिक्स डायरेक्शन के साथ हमेशा सेम एंगल बनाएगा, वो एंगल कॉन्स्टेंट होगा और उसको लोग अल्फा कहेंगे, और अगर हम लोग सिलेंड्रिकल हेलिक्स की बात करें तो फिर हम सर्कुलर हेलिक्स की बात करें तो वो सिलेंडर के जो जनरेटर्स हैं हम उन्हें फिक्स डायरेक्शन ले सकते हैं, और अगर हम उन्हें नहीं लेना चाह रहे तो एटलीस्ट वो जो एक्सिस ऑफ द हेलिक्स है उससे हम लोग फिक्स डायरेक्शन ले सकते हैं, और उसके साथ हर टेंजेंट को सेम एंगल बनाना होगा। तो अब उसके अलावा हमने ये भी हेलिक्स के लिए फिक्स किया हुआ है कि इसका टेंजेंट, ये वही बात है जो मैं आपको वर्ड्स में बता रही हूँ, मैथमेटिकली हम उसे लिख सकते हैं कि टी डॉट यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाए, ठीक है। अब हम लोग इसको लेकर चलते हैं, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं, कंसीडर टी प्राइम इज इक्वल टू कैपा एन, ये तो हमें पता है बाय फ्रेनेट सेरेट थ्योरम, ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन वन टी प्राइम इज इक्वल टू कैपा की वैल्यू वहां से ले ली इक्वेशन नंबर वन से, जो कि यहाँ पे रखी थी, उसको दोबारा आपको दिखा देती हूँ, जो हमने सपोज किया हुआ है, ठीक है, हमने सपोज किया हुआ है कैपा ओवर टॉर्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ से कैपा इज इक्वल टू टॉर्शन ओवर सी भी हम लिख सकते हैं, तो हमने इस कैपा को रिप्लेस कर दिया
टॉर्शन नंबर सी इनटू एन इक्वेशन नंबर टू में, ठीक है। और हमें पता है कि डी प्राइम इज इक्वल टू माइनस टॉर्शन एन, ये भी बाय फ्रेनेट सेरेट चर हम जानते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे सी को डिवाइड कर दिया। क्यों करें? क्योंकि हम दोनों इन दोनों इस तरह से कोई रिलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने दोनों साइड्स को करना पड़ेगा, बी प्राइम ओवर सी इक्वल्स टू माइनस टॉर्शन ओवर सी इंटू एन। और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो राइट हैंड साइड पर ये जीरो हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, टी प्राइम प्लस बी प्राइम ओवर सी। और टी प्राइम की वैल्यू हमने क्या रखी हुई यहाँ से इक्वेशन नंबर टू से, टी टॉर्शन ओवर सी एन, और बी प्राइम की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री माइनस टॉर्शन ओवर सी एन होगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज रखती हैं यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ से दोनों में एन आ रहा है और हम लोग एन को कॉमन ले सकते हैं, और एन क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है खैर अभी हमने ठीक है ये हमने इसको जीरो ले लिया, और हमने यहाँ से सी जो है उसको कॉमन ले लिया। सॉरी ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये वो एडिशन करके दिखाई है, जो मैंने पहले वर्ड्स में बोल दिया था ना कि हम लोग इसकी दोनों राइट हैंड साइड पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो जीरो हो रहा है, तो उसको ऐड करके यहाँ पे शो कर दिया ताकि अगर आप दोबारा भी पढ़ें तो आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। इस एडिंग टू एंड थ्री, और ये जो इक्वेशन आपके सामने है इसमें जस्ट इसको ऐड किया हुआ है, बताया हुआ है कि क्यों जीरो आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पहले मैंने वर्ड्स में बता दिया था, अब यहाँ पे लिखा हुआ भी मौजूद है। इसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो सी एल सी एम ले सकते हैं, और सी टी प्राइम प्लस बी प्राइम इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग ये सी को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सी टी प्राइम प्लस बी प्राइम इक्वल्स टू जीरो होगा। और इसी तरह टी प्राइम क्या है हमें पता है, डी टी बाई डी एस, और बी प्राइम क्या है ये भी पता है, डी बी बाई डी एस, और ये जीरो होगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं कि डेरिवेटिव बाहर ले लें, और इसको डेफिनेटली इसका जो है रिजल्ट यही आएगा ना, यानी डेरिवेटिव अगर हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर सी टी प्लस बी पे तो सी बी का कॉन्स्टेंट बाहर होगा और टी पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा प्लस डी बी बाई डी एस होगा जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। तो हम इसको इसका मतलब है कैसे भी लिख सकते हैं, और फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ से इंटीग्रेट हम लोग एस के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, ठीक है। और ये सी टी प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा और यू पे एनी कॉन्स्टेंट आएगा जिससे हम लोग यू भी ले सकते हैं, क्योंकि यू हमने एक कॉन्स्टेंट वेक्टर कहा हुआ है और यूनिट वेक्टर कहा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, क्यों लेना चाह रहे हैं, ताकि हम ये शो कर दें कि ये जो यू है इसका डॉट प्रोडक्ट जब टेंजेंट के साथ लेंगे तो ये अगर कॉन्स्टेंट एंगल बना रहा होगा कॉन्स्टेंट निकल आएगा, तो फिर हमारा वो प्रूफ हो जाएगा कि हमारे पास जो आंसर आया है वो एक हेलिक्स ही है, ठीक है। अब टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद टी, टी से जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पर टी डॉट टी बन आएगा बीइंग अ यूनिट वेक्टर, और बी और टी क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं इसलिए ये इसका आंसर जो है वो जीरो हो जाएगा, और यू डॉट टी आंसर सी हो जाएगा, दैट इज इन अ प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ यू विद टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और ये हमें प्रूफ करना था। अब हम लोगों ने काम क्या किया है इस पूरे थ्योरम में, कॉलरी में, इसमें हमने काम ये किया है कि हम लोग पहले यूनिट स्पीड कर्व हमने हेलिक्स ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये प्रूफ कर दिया कि टॉर्शन और कर्वेचर के दरमियान ये रेशो, इनकी जो रेशो है वो कॉन्स्टेंट इक्वल होगी, ठीक है। और हमने इसको प्रूफ करने में, क्योंकि हमने इसको हेलिक्स पोज किया था तो हमने हेलिक्स की क्वालिटी यूज़ की कि इसका टेंजेंट हर फिक्स के साथ कॉन्स्टेंट एंगल बनाएगा, यानी कॉन्स्टेंट इसका आंसर आएगा, ये देखिए सी डॉट यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमने इसको यूज़ किया। और इसको यूज़ करने का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करती तो वो गिवन कर्व हेलिक्स हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमने सपोज क्या किया था कि हेलिक्स है और हमने उसकी कंडीशन को यूज़ किया कि हेलिक्स होने के लिए टेंजेंट और कोई भी फिक्स वेक्टर जो है उनका डॉट प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ये चीज़ को हमने यूज़ किया। और हमने इसके बाद इसको प्रूफ कर दिया कि कर्वेचर और टॉर्शन की जो रेशो है वो एक कॉन्स्टेंट होगी, एनी कॉन्स्टेंट, ये देखिए यहाँ पर। अब हमने इसका कन्वर्स लिया, दैट इज हमने इस रेशो को कॉन्स्टेंट ले लिया, और हम प्रूफ करना चाहेंगे गिवन कर्व हेलिक्स है, और उसके लिए हमें ये प्रूफ कर देना काफ़ी होगा कि टी डॉट यू कॉन्स्टेंट आ जाए। और फिर हमने ये
यहाँ से स्टार्ट लिया कि टी प्राइम की वैल्यू बाय फ्रेंड सेट हमें पता थी और बी प्राइम की वैल्यू भी हमें बाय फ्रेंड सेट पता थी और इन दोनों वैल्यूज को हमने फिर ऐड करके टी और बी की टर्म्स में आंसर निकाला और फिर जो प्राइम था उसको डेरिवेटिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके इंटीग्रेट कर लिया और हमें एक्चुअली हमारा टारगेट क्या था कि यू के साथ अगर टी डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए तो आंसर कोई कांस्टेंट आ जाए, ये हमारा मकसद था। तो हमने टी का डॉट प्रोडक्ट लिया थ्रू आउट इक्वेशन के साथ और प्रूफ हो गया कि यू और टी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है और ये किसी भी कर्व को हेलिक्स प्रूफ करने के लिए काफी है। इसमें अब आप देख लें, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट लिया मैम, वहां से दोबारा बताइएगा। यहाँ पर ये जो लास्ट थर्ड लाइन है जी मैम, ठीक है, यहाँ पे सी ये देख लें, आपके पास सी टी प्लस बी इक्वल्स टू यू, ये आपके पास आ गया था इंटीग्रेशन के बाद आंसर, वेयर यू इज एनी कांस्टेंट। और जो कि हम लोग चाहते हैं कि वही कांस्टेंट हम लोगों ने खुद लेना होता है क्योंकि, इसलिए हमने इसे एक यूनिट वेक्टर लिया। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे टी के साथ, दोनों साइड्स पे हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। जब टी और टी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर वन आएगा क्योंकि टी एक यूनिट वेक्टर है, और बी और टी का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा क्योंकि बी और टी दोनों यूनिट वेक्टर्स तो हैं ही लेकिन वो परपेंडिकुलर हैं। और इस तरह यू और टी का डॉट प्रोडक्ट लिया और यहाँ से इक्वेशन से हमें नज़र आ रहा है कि यू डॉट टी जो है वो कॉन्स्टेंट के इक्वल आ गया और यही हेलिक्स प्रूफ करने के लिए काफ़ी है। मैम जी, सिलेंड्रिकल हेलिक्स और हेलिक्स में क्या फर्क है? सिलेंड्रिकल हेलिक्स सर्कुलर हेलिक्स है वो, ठीक है। सर्कुलर हेलिक्स जो है, हेलिक्स के बेटा बहुत सारे टाइप्स हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ वो शेयर भी करूंगी कि हेलिक्स एग्जांपल्स में क्या आ जाता है। डीएनए जो है, जिसका आपने पैटर्न देखा होगा, आपको पता होगा, तो वो भी हेलिक्स फॉर्म में है। इसी तरह आपने देखा होगा अगर आप किसी देखते हैं कई दफा किसी भी प्लांट के जो प्लांट जो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं तो वो उनकी छोटी छोटी टहनियां जो है वो रोल हुई होती हैं किसी और। यस मैम, देखें वो मैंने पिक्चर्स उनकी सारी बनी इकट्ठी की हैं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, मुझे ये था कि आपको ये थ्योरम समझ में आते हैं। तो हेलिक्स जो है उसमें उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें एक सर्कुलर हेलिक्स भी है जिस पे हमारा फोकस है, ठीक है। अदरवाइज तो एक बहुत वास्ट है ये हेलिक्स का जो टॉपिक है ना, ये अगर आप चले जाएँ तो बॉटनी में और मैथमेटिक्स की जो एप्लीकेशन है ना बायोलॉजी में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको हेलिक्स जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्लाई हुआ है। जैसे अगर आप लोग डीएनए जो है उसके बारे में जो मैथमेटिकली सारी इक्वेशन बनती हैं और सारा कुछ जो है काम होता है वो हेलिक्स की हेल्प से होता है। हेलिक्स क्योंकि एक मैथमेटिकल चीज़ है तो इसलिए डिफरेंट जगहों पे हेलिक्स अप्लाई होता है और वहाँ पे कैलकुलेशंस के लिए और फोरकास्टिंग और एवरीथिंग के लिए मैथमेटिक्स की हेल्प वो फिर हेलिक्स की वजह से ले रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने जो लिया है ना, हमने सर्कुलर हेलिक्स लिया है फिलहाल, और हमने सर्कुलर हेलिक्स को बता दिया कि एक ऐसा स्प्रिंग जिसे हम लोग या एक आप किसी जैम की बॉटल या किसी सिलेंडर के गिर्द आप लाइन्स लगा लें, अगर चौक से इवन लगा लें तो वो हेलिक्स बन जाएगा आपके पास। ओके मैम, डीएनए तो डबल हेलिक्स में नहीं आता जी? हाँ जी बिल्कुल, वो उसमें मैंने आपसे कहा ना, मैं आपसे शेयर करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में क्योंकि इसमें मेरा आपका थ्योरम होता है। मैम जो आपने प्रीवियस लेक्चर में हमें करवाया था डीएनए की डेफिनेशन, सॉरी डीएनए बोल दिया उसकी, मैम हेलिक्स की डेफिनेशन और वो, मैम वो वाले पेजेस भी आप सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। बेटा वो बुक में ही है, बुक मैंने आपको पेज नंबर भी बताया था, वो जो आपका बुक है ना एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री, जब आप लोगों ने हम उसमें पूरे सीक्वेंस में चल रहे हैं, जैसे आपने पहले फ्रंट साइड थ्योरम पढ़ा है उससे नेक्स्ट पेजेस पे जो है वो हेलिक्स की डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है मैम, चलिए मैम ये प्रूफ सेंड कर दीजिएगा। हाँ बेटा ये मैं आपको आज सेंड कर दूंगी। ओके मैम, और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछिए, अगर कोई एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं दोबारा एक्सप्लेन किया जाए।
इसमें ये थ्योरम मुश्किल नहीं है, मुझे पढ़ रही है मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा आपने सीक्वेंस को याद रखना है कि आपने किस तरह से चले थे और फिर आपने रिवर्स कैसे किया उस चीज़ को, उसको ध्यान से इसके चंद पॉइंट्स बना लें, उसके बाद आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।